हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है इक्वल सेट्स एंड सेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन देम इक्वल सेट क्या है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए क्या मायने हैं इसके कि आपको दो सेट दे रखी हैं अगर वो दो सेट को आपको कंपेयर करके ये बताना है कि ये दोनों इक्वल सेट है या नहीं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सेम सेट बी के अंदर भी एलिमेंट होनी चाहिए इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक सेट है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है थ्री सेवन नाइन और सेकंड जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है सेवन नाइन थ्री अब सेट ए का जो एलिमेंट है थ्री वो सेट बी में भी है सेट ए का जो एलिमेंट है सेवन वो नेक्स्ट सेट में भी है सेट पहले में जो एलिमेंट है नाइन वो दूसरे सेट में भी है ये अलग बात है कि दूसरे सेट में जो एलिमेंट की लिस्टिंग की गई है उनको जो लिखा गया है उनका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट सेट से मैच नहीं करता जैसे फर्स्ट सेट में एलिमेंट तीन पहले लिख दिया सेकंड सेट में तीन लास्ट में लिख दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने यह देखना है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होने चाहिए तो इसलिए ये दोनों सेट क्या हुए इक्वल हुए ये दोनों सेट क्या है इक्वल ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें वन फोर एट ये आपके एलिमेंट है फर्स्ट सेट के वन फोर एट और सेकेंड सेट के एलिमेंट आपको यहाँ दे रखे हैं वन फोर इज टू टाइम एट इज टू टाइम एंड वन इज वन वन इज टू टाइम फोर इज टू टाइम एंड एट इज टू टाइम अब देखा जाए तो वन इस सेट में है वन दूसरे सेट में भी है फोर इस सेट में है फोर दूसरे सेट में भी है एट है इस सेट में फर्स्ट में एट यहाँ भी दो बार है तो हमने तो ये देखना है कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट है या नहीं जैसे वन फोर एट फर्स्ट सेट में है और वन फोर एट दूसरे सेट में भी है अब इसमें अगर हम देखें तो फोर टू टाइम्स आ रहा है एट भी टू टाइम्स आ रहा है और वन भी टू टाइम्स आ रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो वो भी एक ही बार काउंट होगा इट मीनस टू से बोथ ऑफ दीज टू सेट्स आर ऑल्सो इक्वल ये दोनों सेट भी क्या है इक्वल नेक्स्ट कंसेप्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट आपको कोई फाइनाइट सेट दे रखा है फाइनइट सेट क्या बताया मैंने क्या पढ़ा था हमने फाइनल सेट में कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसमें क्या हो फाइनाइट हो और जितने उसमें एलिमेंट हैं पाँच सात आठ वो उसका कार्डिनल नंबर कल आएगा कार्डिनल नंबर कह लीजिए या ऑर्डर जैसे एक एग्जांपल है सेट ए जिसके अंदर पांच एलिमेंट हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो ये इसका क्या हुआ ऑर्डर और इसको लिखने का ढंग होगा एन ए इज इक्वल टू फाइव ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर भी एलिमेंट क्या है ए बी ई एफ जी इसके इसमें भी पांच एलिमेंट है तो इसका भी ऑर्डर क्या हुआ फाइव एन बी इज इक्वल टू फाइव तो ये था इक्वल सेट्स के बारे में नेक्स्ट वी हैव सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी मायने क्या है कि दो सेट का अगर ऑर्डर सेम है सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सेट बी में भी उतने ही एलिमेंट हों सेट ए में जितने एलिमेंट हैं सेट बी में भी उतने ही एलिमेंट हो नंबर ऑफ एलिमेंट तो उसको हम क्या बोलेंगे इक्विलेंट सेट जैसे एक एग्जांपल देखें सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है वन टू थ्री सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड अब फर्स्ट सेट का ऑर्डर है तीन क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है सेकंड सेट का ऑर्डर भी है तीन क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है हालांकि ये इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट है वन टू थ्री वो सेट बी में नहीं है सेट बी में कुछ और एलिमेंट है अलहदा है इससे एक्स वाई जेड इसलिए ये इक्वल सेट्स तो नहीं है लेकिन ये क्या है इक्विलेंट सेट्स हैं क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स की संख्या सेम है तीन है दोनों में संख्याएं तो इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स और ये आपका साइन है इक्विवेलेंट का ये वाला इसको ऐसे लिखेंगे ए सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी अब इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स पर कुछ एक एग्जांपल है जैसे फोर्थ क्वेश्चन हम देखें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का आपका इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और ए इक्वल टू बी और नॉट चार क्वेश्चन दिए होंगे इसमें फोर्थ के फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको अगर हम देखें तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी और सेट बी के अंदर एलिमेंट है डी सी बी ए अब सेट ए में एलिमेंट है ए सेट बी में भी एलिमेंट है ए सेट ए का दूसरा एलिमेंट है बी सेट बी में भी बी है सेट ए में तीसरा एलिमेंट है स्मॉल सी सेट बी में भी सवाल सी है और सेट ए में जो लास्ट एलिमेंट है डी वो सेट बी में भी है यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट है इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे इक्वल सेट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखें फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ये सेट फर्स्ट जो आपका है ए इसमें एलिमेंट है फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ये वाला अब सेट बी को अगर हम देखें सेट बी में है फोर इसमें है सेट ए में सेट बी में भी फोर है एट है सेट ए में एट सेट बी में भी है ट्वेल्व है सेट ए में लेकिन ट्वेल्व जो है आपका वो सेट बी में नहीं है सिक्सटीन है सेट ए में सेट बी में सिक्सटीन है यानी कि सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट बी में नहीं है इसी प्रकार सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं है इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे ऐसे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन भी है इक्वल सेट्स के बारे में पूछा गया है और सिक्स क्वेश्चन भी है ये आप खुद करेंगे कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे मैसेज कर सकते हैं थैंक यू